क्या नेपाली थे भगवान राम? क्या भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था और नेपाल में ही है असली अयोध्या? क्या है इसके पीछे की असली कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यहाँ को जनकपुर वहाँ को अयोध्या भव्य बनी, कहाँ चोरी को बेगर हो गया, सब पहले के गए तो टेस्ट जल अगर जमाना न टेलीफोन ना हो। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के बयान ने सियासी गलियारे में एक अलग ही हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने एक बयान में श्री राम भगवान को नेपाली बता दिया। उन्होंने भारत के यूपी में स्थित अयोध्या को भी नकली अयोध्या बता दिया, जिस वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने अपने विवादित बयान देते हुए कहा, अयोध्या नेपाल में है और भारत ने एक नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखा है। ओली यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भगवान राम नेपाली हैं, भारत ने नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखकर नेपाल की सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। उन्होंने कुछ सवाल पूछकर अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश करी। उन्होंने सवाल पूछा कि जिस अयोध्या का दावा भारत के उत्तर प्रदेश में किया जाता है, वहां से सीता से विवाह करने भगवान राम जनकपुर कैसे आए? उस समय कोई फोन नहीं थे, फिर उन्होंने संवाद कैसे किया? उस दौरान विवाह केवल पास के राज्यों में होते थे, कोई भी शादी करने के लिए इतनी दूर नहीं जाता था। ओली ने अपने घर पर भानु जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा था और ये तमाम बातें उन्होंने इसी प्रोग्राम में कही। ओली ने भारत पर सांस्कृतिक दमन का आरोप भी लगाया। उनके इस बयान पर भारत में ही नहीं बल्कि उनके देश में भी उनका विरोध चालू हो गया है। भारत के धर्म गुरुओं ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई और नेपाल में प्रदर्शन करने का दावा कर दिया। उनको सोशल मीडिया पर भी बहुत ट्रोल किया गया। लेकिन इसी बीच विवाद को बढ़ता देखकर मंगलवार को नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके सफाई दी। उन्होंने बयान जारी करके कहा कि प्रधानमंत्री ओली किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां किसी राजनीतिक मुद्दे से जुड़ी नहीं थी और किसी की भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि नेपाल में हर साल विवाह पंचमी मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक बारात आती है। नेपाल और भारत के प्रधानमंत्रियों ने मई 2018 में रामायण सर्किट लॉन्च किया था, जिसका जनकपुर अयोध्या बस सेवा एक अहम हिस्सा है। ये सारे तथ्य दोनों देशों और वहाँ की जनता के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। आपको बता दें कि भारत और नेपाल में पिछले कुछ महीने से तनाव चल रहा है। नेपाल ने 20 मई को अपना नया नक्शा जारी किया था। जिसमें लिपु लेक, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना इलाका दिखाया था। इसके बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ता गया। पिछले दिनों भारतीय मीडिया की भूमिका को लेकर भी नेपाल में कड़ी नाराजगी जताई गई थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल के पीएम के इस तरह के विवादित बयान का भारत और नेपाल के राजनीतिक रिश्तों पर क्या असर होता है। ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आप अपने फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।